हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं रेनलिली में। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो प्लांट को डिवाइड करके हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और हम प्लांट लवर जो है ना, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारा शौक़ जो है ना बढ़ता ही जाता है, और हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हो। तो क्या है कि जब हम नर्सरी पे जाते हैं तो हमें प्लांट्स का रेट का पता चलता है कि कितने कॉस्टली प्लांट होते हैं, कितने महंगे महंगे प्लांट होते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी जो आपके पास अगर हैं तो भी आप उनको जो है डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप नर्सरी से एक प्लांट लाओगे तो उसमें से भी आप ढेरों प्लांट बना लोगे। तो कुछ ऐसे प्लांट मैं बताने वाली हूँ जो आप सेप्टेम्बर मंथ में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्लांट है देखिए ये लेडी पाम, रैपिस पाम भी इसको बोलते हैं। तो इसमें से देखिए काफ़ी सारे रनर्स निकलते रहते हैं, बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, अगर आप नर्सरी पे लेने जाओ तो ये एक ही प्लांट आपको 150-200 रुपये में मिलेगा। तो इसको हम डिवाइड करके जो है न्यू प्लांट बना सकते हैं, काफ़ी सारे जो है ये घना होता जाता है। तो इसको हम जो है अच्छे से डिवाइड करें तो हम काफ़ी सारे प्लांट इससे तैयार कर लेंगे फ्री में ही अपने घर पर ही। तो अगला प्लांट यहाँ पर देखिए ये है पीस लिली का। पीस लिली भी हम काफ़ी अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे बेबी प्लांट इसमें से निकलते रहते हैं, नए नए प्लांट निकलते ही रहते हैं। तो देखिए काफ़ी मतलब ज़्यादा पानी होने से इस तरह से इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, और धूप में भी इसी तरह से होने लगते हैं, तो इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए अच्छे से इसको हम डिवाइड करके जो है काफ़ी सारे प्लांट घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए रिबन ग्रास, इसको भी देखिए कितने सारे प्लांट इसमें तैयार हैं हमारे, पूरा गमला भरा हुआ है देख सकते हैं। तो इसको जो है डिवाइड करके हम काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत ईजिली ये लग जाता है डिवाइड करने से, और उसमें ढेरों प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी खूबसूरत लगता है, ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और यहीं पर देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया में भी देखिए इस तरह से भी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है काफ़ी सारे प्लांट आपके बन जाएंगे फ्री में ही घर पर ही। और ये जो प्लांट है ना, आप नर्सरी पर लेने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। ये स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट वो मैंने काफ़ी सारे प्लांट बना लिया डिवाइड करके देखे, और इसमें से भी एक एक प्लांट अगर आप लगाते हो ना तो बहुत सारे प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं, और थोड़े ही दिन में आपका जो पॉट है ना इस तरह से फिल होने लगता है। तो ये देखिए ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं इस प्लांट में से, तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है और बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं डिवाइड करने से। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है नर्सरी पे आप लेने जाओगे तो 250-300 की रेंज इनकी स्टार्ट होती है समझ लो, और प्लांट के हेल्थ और हाइट के हिसाब से होता है कितना हेल्दी है। और ये देखिए यहाँ पे भी कितना भरा हुआ है पूरा, तो ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, डिवाइड करके भी हो जाता है। तो ऐसे इसको हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है और ऑक्सीजन रिच प्लांट है ये। कहीं पर देखिए अगला प्लांट ये है ऑक्सैलिस ट्रैंगुलर, इसको बोलते हैं, इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। और ये देखिए इसमें इस तरह छोटे छोटे फ्लावर भी खिलते हैं, और इसको हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भी ये डिवाइड किया था कुछ दिन पहले ही, और आप देख सकते हैं एक मैंने इसमें लगाया है, एक यहाँ पे लगाया है, ये हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया। तो ये बस अब लग गए हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन डिवाइड करे हुए प्लांट को, 3-4-5 दिन तो लगते ही हैं, थोड़ा शौक में जाता है जब हम प्लांट को छेड़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल लग गया है, ये पत्तियों से पता लग रहा है हेल्दी है बिल्कुल, और जो ख़राब हो गए उनको हटाते रहिए। तो इस तरह से इसको भी हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मदर प्लांट है, इसमें से मैंने डिवाइड करे हैं वो। तो ये देखिए कितना हेल्दी है, बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में। तो इनको जो है नर्सरी पे लेने जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। ये भी मैं छोटा सा प्लांट 100 रुपीज़ का लाई थी, और ये बल्बस प्लांट है तो बहुत सारे हो जाते हैं इनको डिवाइड करने के बाद। तो अगला प्लांट यहाँ पर देखिए सिंगोनियम, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पिंक सिंगोनियम है, ये देखिए पिंक है, ये पिंक हुआ, लेमन हुआ, ये कुछ वैरायटियाँ हैं जो बहुत महंगी मिलती हैं, और कुछ कॉमन होती हैं इनकी वैरायटी जो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन कुछ वैरायटी हैं जो बहुत महंगी मिलती है। तो इसको भी हम डिवाइड करके इजीली बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है इसका हैंगिंग बास्केट, आप देख सकते हैं, तो हैंगिंग बहुत सुंदर लगते हैं ये प्लांट जो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसमें भी लगाया हुआ है, DIY प्लांटर है एक। तो ये देखिए ये वाइट है, ये लेमन वाला है, और यहीं पर देखिए ये मैंने पिंक लगाया, तीनों वैरायटियाँ हैं इसमें, और जो ग्रीन वाली है वो अलग है। तो इनको डिवाइड करके हम इजीली बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो अगला प्लांट यहाँ पर देखिए ये है जनाडू, और इसको जो है फिलोडेंड्रॉन भी बोलते हैं। तो इसको भी हम इजीली डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, उसका वीडियो भी मैंने डाला था किस तरह से डिवाइड होता है। तो ये देखिए दो प्लांट मैंने इसमें लगा दिए हैं, दो यहाँ पे इसमें लगाए हैं मैंने, ये देखिए दो प्लांट ये हैं, और एक मेरा यहाँ पर है। तो ये मदर प्लांट है, तो जो मैं इसको लेकर आई थी तो ये बस एक ही प्लांट था, और मुझे ये उस टाइम पे मुझे ये 250 रुपये का एक ही प्लांट दिया था। तो आप सोच सकते हो जो हम एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास प्लांट है एक और नहीं भी है तो आप एक प्लांट ले आई नर्सरी से, तो उसी से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो जनाडू प्लांट भी बहुत ईजिली लग जाता है डिवाइड करके, और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ऑक्सीजन रिच प्लांट, और बिल्कुल ग्रीन रहता है हमेशा ही। यहाँ पर देखिए ये है युक्का प्लांट, और युक्का भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं नर्सरी पे लेने जाओ तो। आप जो है नर्सरी पे इतने महंगे रेट मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं कि हम खरीद भी नहीं सकते हैं, देख के ही हम सोच जाते हैं कि बहुत महंगे, हम नहीं खरीद सकते। तो ये जो प्लांट है ना, इनको हम इजीली डिवाइड करके जो है बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी देखिए कितने सारे प्लांट बने हुए हैं। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है प्लांट बनने में, तो ये देखिए अब ये काफ़ी सारे प्लांट हो जाएंगे, और इसमें से ही मैं कट करके दूसरे प्लांट बना लूँगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हेल्दी हैं, यहाँ पे देखिए तो ये बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे इसके भी। तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एग्लोनिमा, तो एग्लोनिमा पे तो जो प्लांट लवर हैं उनको पता ही होगा कितनी हाई रेट होता है इनका सभी का, तो इसको भी हम डिवाइड करके इजीली बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और कटिंग से भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने सारे प्लांट इसमें भी हो रखे हैं, तो इनको जो है डिवाइड करके हम बहुत सारे प्लांट घर पर ही तैयार कर सकते हैं फ्री में वो भी। तो यहाँ पर देखिए यह पेंडानस, पेंडानस को भी हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं बहुत सारे। तो ये देखिए इसमें भी काफ़ी सारे निकले हुए हैं, यहाँ पे देखिए इनमें ऑलरेडी रूट होती हैं, ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे बहुत सारे निकले हुए हैं और मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं इससे। तो ये भी काफ़ी कॉस्टली मिलता है नर्सरी पर, तो आप इसको भी डिवाइड करके आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह से जो बेबी प्लांट होते हैं ना उनको बस यहाँ से हम अलग कर सकते हैं, जब इनमें अच्छे से रूट जड़ें बन जाएँ तभी इसको हटाएँ आप, तो जो है काफ़ी जल्दी देखिए इस तरह से काफ़ी जड़ी बनी हुई है इसमें, इसको मैं पॉट में लगा दूँगी तो दूसरा प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा इसी से। तो यहाँ पर देखिए ये ड्रेसिना, ड्रेसिना की सारी वैरायटियाँ ही काफ़ी कॉस्टली मिलती है, तो इनको भी देखिए इस तरह से ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और कटिंग से भी इजली लग जाता है ये, तो इनको भी हम जो है डिवाइड करके इजली बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ड्रेसिना में काफ़ी वैरायटियाँ आती हैं, ये देखिए देखिए यहाँ पे, तो काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं ड्रेसिना की, तो सभी को हम जो है डिवाइड करके इजली बना सकते हैं बहुत सारे प्लांट फ्री में ही घर पर वो भी। तो आप जो है ना नर्सरी पर जाओगे तो एक प्लांट अगर आप लाओगे तो घर पर ही बहुत सारे कुछ ही दिनों में जो है बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैक्टस, तो कैक्टस की वैरायटियाँ भी काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो इनको भी देखिए ये सारे प्लांट जो है ना हम डिवाइड करके ही बना सकते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए कोई भी एक जो है आप यहाँ से देखिए इस तरह का कहीं से कट करके लगा दोगे दूसरे पॉट पर तो ये दूसरा प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें लगाया यहाँ पर तो ये काफ़ी अच्छे से लग गए और काफ़ी सारे इसमें से निकल आए, तो मैंने बस ये दो प्लांट मतलब दो थे एक साथ यही लगाया था, उसके बाद देखिए ये कितने सारे इसमें से ये निकल गए हैं। तो ये कैक्टस भी हम जो है ना लगा सकते हैं इजीली डिवाइड करके, तो बहुत महंगी मिलती है कैक्टस की वैरायटी। तो और ये देखिए सकुलेंट, सकुलेंट प्लांट भी हम डिवाइड करके कटिंग से इजीली बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं ये सकुलेंट भी, तो इनको भी हम डिवाइड करके अच्छे से जो भी है ना अब विंटर आ ही रहा है इस टाइम पर, तो आगे आगे विंटर आएगा उस टाइम हम जो है इनको डिवाइड कर सकते हैं कटिंग से लगा सकते हैं, तो विंटर में बहुत जल्दी ये सर्वाइव करते हैं, तो इनका ग्रोइंग पीरियड विंटर ही होता है, तो विंटर में बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाते हैं डिवाइड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है एक और ड्रेसिना की वैरायटी, ये जो है छोटी वैरायटी हैं लॉन्ग नहीं होती हैं, ये नीचे नीचे फैलती रहती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें से भी काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उन्हें बस हम थोड़ा सा खींच के निकाल लेंगे या फिर किसी कुर्पी वगैरह की हेल्प से आप निकाल सकते हो और उसे जड़ों के साथ निकाल लीजिए, कटिंग से भी इजीली लग जाता है, तो काफ़ी अच्छे से डिवाइड होकर हमें बहुत सारे प्लांट हमारे घर पर ही तैयार हो जाते हैं। इधर देखिए फॉक्सटेल फन, ये भी काफ़ी कॉस्टली मिलता है, 100 से ही इसकी जो रेंज होती है ना स्टार्ट होती है, तो इसको भी हम डिवाइड करके इजीली काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। तो बस इसको जो है यहाँ से देखिए कितने सारे प्लांट निकलते रहते हैं, तो इन्हें हम जो है डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये है डेविल्स बैकबोन, और डेविल्स बैकबोन को भी हम जो है डिवाइड कर सकते हैं और कटिंग से भी इजीली लग जाता है, इनकी कटिंग जो है बहुत जल्दी लग जाती है, 3 से 4 दिन में ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से इनमें से प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको हम अलग कर सकते हैं और दूसरे पॉट में लगा लीजिए, तो आपका कुछ ही दिनों में नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डेफिन में क्या जो इजली कटिंग से भी बहुत जल्दी लग जाता है और जो है बेबी प्लांट भी इसमें निकलते रहते हैं, देखिए काफ़ी सारे मेरे इसमें बने हुए हैं, एक प्लांट मैंने लगाया इसमें 2-3 प्लांट हो गए, बहुत छोटे पॉट में ये लगा हुआ है, तो इनको जो है हम डिवाइड करके इजली बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। यहीं पर देखिए मनी प्लांट, और मनी प्लांट को तो कौन नहीं जानता, मनी प्लांट जो है डिवाइड होकर कटिंग से इजली जो है इसकी कटिंग भी काफ़ी अच्छे से लग जाती है, बारिश के दिनों में आप जो है इस टाइम सितंबर चल ही रहा है तो इस टाइम पे इनको आप डिवाइड कर सकते हैं और कटिंग से भी इजली लग जाते हैं, कहीं से भी आपको कटिंग मिलती है तो आप ला सकते हैं। तो इनको अपने और ये देखिए फर्न की वैरायटी, फर्न भी जो है ना काफ़ी अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं, ऑक्सीजन रिच प्लांट हैं ये भी, तो इनमें देखिए बहुत सारे रनर्स इस तरह से निकलते रहते हैं जो कुछ ही दिनों में ये पॉट फिल कर लेता है और अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं, तो इनको काफ़ी सारे प्लांट जो हम तैयार कर सकते हैं। इनमें भी काफ़ी वैरायटी आती है, फर्न में भी गोल्डन है, ग्रीन है और भी बहुत सारी होती हैं, तो फर्न को भी हम डिवाइड कर सकते हैं।